नमस्कार डीवी न्यूज की खास खबरों में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए एक बार फिर मौसम की ओर रुख कर लेते हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहर ठंड और कोहरे की डबल मुसीबतों से घिरे हुए हैं। हालांकि कोहरे का प्रकोप आज दिल्ली में थोड़ा कम है, क्योंकि हवा की रफ्तार में तेजी आई है और इसकी वजह से कोहरा आज छटा है। कल यानी बुधवार जैसे हालात आज नहीं है। बता दीजिए दिसंबर का महीना ज्यादा बीत चुका है और ठंड अब पूरे उत्तर भारत को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। हालात ऐसे हैं कि शाम होते ही कोहरा अपना असर भी दिखाना शुरू कर देता है। दिन ढलने के साथ ही कोहरे का असर दिखने लग जाता है। बता दें यूपी में वाराणसी से लेकर गाजियाबाद तक कई शहरों का यही हाल हो रखा है। दिल्ली में आज ओवरऑल AQI 386 तक पहुंचा है। यह गंभीर श्रेणी में आता है। एयर पॉल्यूशन के ग्राफ में एक बार फिर से इजाफा होता देखा जा रहा है। एक बुलेटिन के मुताबिक आनंद विहार में AQI 464, लोधी रोड में 349, एयरपोर्ट T3 में 382, पूसा में 392, नोएडा में 390, ग्रेटर नोएडा में 380, गाजियाबाद में 364, गुरुग्राम में 290 और फरीदाबाद में 337 है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले दो दिन भी हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रहने वाली है, इसीलिए एयर पॉल्यूशन से अभी राहत मिलने की संभावना नहीं है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास रहेगा। घने कोहरे को लेकर आज मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है।